चेहरे के ऊपर डार्क स्पॉट्स किसी को अच्छे नहीं लगते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे आपकी एज कितनी भी है। अगर आपकी स्किन के ऊपर डार्क स्पॉट्स हैं, पैचेस हैं, अनइवन स्किन टोन है, या फिर कलर बहुत ज्यादा फीका पड़ता जा रहा है, धूप की वजह से अगर चेहरा काला पड़ता जा रहा है। अब ये जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये विटामिन सी की रेमेडी है, लेकिन इसमें विटामिन ई भी कूट कूट के भरा है। विटामिन ई आपकी स्किन की हेल्थ को मेंटेन करता है और विटामिन सी आपकी स्किन के डार्क स्पॉट्स को खत्म करता है। चेहरे के दाग धब्बे अगर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं तो तैयार कर लेना मेरे साथ आज की इस रेमेडी को, और रोज रात को सोने से पहले मात्र 5 मिनट अपनी स्किन को दे देना। आप देखना आपकी स्किन के डार्क स्पॉट्स किस तरह से चुटकी बजाते गायब हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, सारण मेरी तरफ होती बहुत बहुत प्यार, क्या हाल चाल है। आशा करती हूँ आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं और वीकेंड को एंजॉय कर रहे हैं। आज की जो रेमेडी है जी, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आने के बाद में बनाई गई है कि जी धूप में बैठने का सीजन चालू हो चुका है, सर्दियां आ गई हैं, काला पड़ा चेहरा, कुछ तो बता दो, कोई ऐसी चीज बता दो जो घर में रखे हुए सामान से बना ले, पैसा ना खर्च करना पड़े। पैसा नहीं खर्च करना है, घर में बहुत सारी चीजें हैं, तुरंत चलो और किचन की तरफ चल के मेरे साथ साथ में इस रेमेडी को बना लो। तो चलो चलो मेरे साथ में इस रेमेडी को बनाने के लिए। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इस क्रीम के बेस को बनाने के लिए विटामिन सी लेना है। विटामिन सी के लिए आप ले सकते हैं नींबू या फिर ऑरेंज या कीनो, ठीक है, ये तीन चीजों में से कोई भी एक चीज आप ले सकते हैं। लेकिन डालना कैसे है, ऐसे ही तो डाल नहीं देना है क्योंकि पानी हो जाएगा, वो नहीं करना है। हमने क्या करना है, जो ऑरेंज का, जैसे मैं ले रही हूँ ऑरेंज, आपके पास नींबू है उसका भी कर सकते हैं, कि आपने उसको कद्दूकस करना है उसके छिलके को, ठीक है। हल्का हल्का सा भी अगर आप कर लेंगे तो आपको उसमें से ना उसके जो ऊपर की जो लेयर है उसमें से कुछ पार्ट आपको लेना है, चाहे वो आपको एकदम छिलका छिलका सा मिल जाए वो ले लो, चाहे थोड़ा सा गीला वाला मिल जाए वो ले लो, मुझे हल्का सा गीला वाला मिला है। तो हमने क्या करना है, करीब करीब आधा चम्मच के आसपास हमने विटामिन सी लेना है। आपकी ये जो रेमेडी है 15 दिन तक आराम से आपसे खराब नहीं होगी, तो इतने के लिए आपको आधा चम्मच, यानी कि मेरी ये जो चम्मच है छोटी चम्मच है, इसका आधा चम्मच मैंने विटामिन सी ले लिया है। विटामिन सी ज्यादा हो जाएगा तो भी अच्छा नहीं है, कम रहेगा तो काम ही नहीं करेगा, तो एक प्रिपरेशन में आपने लेना है। तो मैंने लिया है आधा चम्मच विटामिन सी का, नींबू का छिलका, नींबू का जो जिस्ट होता है वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। साथ में मैं इसमें मिला रही हूँ विटामिन ई का सोर्स, जो की है या तो ऑलिव ऑयल में या विटामिन ई कैप्सूल में। ऑलिव ऑयल मेरे पास हमेशा रहता है, बादाम का तेल भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपकी स्किन की हेल्थ को मेंटेन रखता है। स्किन के ऊपर एजिंग लाइन दिखाई दे रही है, झुर्रियां ज्यादा दिखाई दे रही हैं, स्किन लटक रही है, विटामिन ई की डेफिशिएंसी आपकी स्किन में हो गई है, एक बार चेक जरूर करा लेना। तो हमने लिया है करीब 2 चम्मच भर के मैंने ऑलिव ऑयल इसमें ले लिया है, आप अपनी क्वांटिटी को अपने हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं। मेरी मानिए 15 दिन का बैच बना के रख लो, फिर उसके बाद में दोबारा बना लेना। ये हमने ले लिया, इसके बाद में मैं इसमें डाल रही हूँ जी, मैं इसमें डाल रही हूँ चुटकी भर, यानी कि एक ड्रॉप क्लोव का ऑयल। क्लोव का ऑयल आपको हर दुकान पे मिल जाता है, जहां पर भी आप राशन का सामान खरीदते हैं या फिर मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, जनरल शॉप पे मिल जाता है। क्लोव ऑयल यानी कि लौंग का तेल बहुत अच्छा रहता है, आपकी स्किन के ऊपर बुढ़ापे को आने से रोकता है। आपकी स्किन के ऊपर अगर एजिंग का प्रोसेस फास्ट हो गया है, अर्ली आ गया है, जल्दी आ गया है, स्किन लटक रही है, आपने क्लोव का यूज करना है अपनी रेमेडीज में। चुटकी भर लेंगे, यानी कि एक ड्रॉप खाली आपने इसमें क्लोव का ऑयल लेना है। अगर आपके पास अभी क्लोव ऑयल नहीं है तो आप यहाँ पर डाल देंगे 2 क्लोव, यानी कि 2 लौंग, हेड के साथ में डालिएगा, उसका जो गोल वाला हिस्सा होता है उसके साथ में डालिएगा, फिर उसको उसी में छोड़ देंगे। क्या करना है आगे मैं आपको बता दूंगी। चुटकी भर में इसमें मिला रही हूँ कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी इसलिए मिलाई जाती है, ये हमारी स्किन की जो स्किन होती है उसको ये फिक्स करती है। स्किन बहुत ज्यादा खुरदरी हो गई है, रफ लग रही है, आपको कस्तूरी हल्दी का यूज करना है, स्किन एकदम सॉफ्ट और मुलायम हो जाएगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच भर के नारियल का तेल, यानी कि कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल में विटामिन ई और बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं जो हमारी स्किन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। खाने के लिए भी ऑयल अच्छा है कोकोनट ऑयल, बालों के लिए भी कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा, और हमारी स्किन के लिए तो बहुत अच्छा है ही। इससे अगर आपको कोकोनट ऑयल सूट कर गया तो फिर कुछ और तो है ही नहीं भाई, कोकोनट ऑयल के आगे कुछ नहीं है। बचपन से मैंने देखा है, बचपन से हमारे घरों में कोकोनट ऑयल, गांव खेड़ा छोटी से छोटी जगह में भी आपको कोकोनट ऑयल देखने को मिलता है। ये बड़े बड़े ऑयल, ब्रांड के ऑयल तो आप देखने को मिल रहे हैं, शुरू से जो ऑयल हमारे बड़े बुजुर्गों ने यूज किया है वो है नारियल का तेल, यानी कि कोकोनट ऑयल, और इसके आगे सारी चीजें फीकी है। तो मैंने लिया है करीब 2 चम्मच कोकोनट ऑयल। अब इसके साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ एलोवेरा जेल, 2 से 3 चम्मच एलोवेरा जेल भर के डालेंगे और अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। इसके साथ में एक चीज मैं और बताऊंगी जो कि आपने प्रिपेयर करनी है, उसके लिए आपको मेरे ये वाले वीडियो के ऊपर जाना है, यहाँ पर जाएंगे तो ये वाली चीज आप बना पाएंगे।
इसमें क्या है, इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है जो स्किन को टाइट और फर्म करती है बहुत बढ़िया से। तो इसको अगर बनाना है, ये जो लिक्विड में डाल रही हूँ इसको बनाने के लिए आपने इस वाले वीडियो पे जाना है। ये एक टोनर है जो कि मैं इसमें यूज करी हूँ। अगर आपने इस टोनर को नहीं बनाया तो यहाँ पर आप रोज वाटर का यूज करेंगे। वैसे मेरी मानिए इसको बना लो जाके, इस वीडियो को देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लंबा वीडियो नहीं, छोटा सा वीडियो है, तुरंत बना लेना। स्किन की बहुत अच्छी आपकी ना एक टोनर तैयार हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, टोनर मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करेंगे, बढ़िया से ये क्रीम फॉर्म में हमें इस तरीके से ये मिल जाएगा। ये देखिए कितनी बढ़िया सी हमारी ये कंसिस्टेंसी में हमें मिल गया है। आप चाहे तो इसको थिक या पतला कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी इसका असर नहीं पड़ेगा, मतलब ये खराब नहीं होगा। इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो आपको एज इट इज मिल जाएगी, कम पतला या गाढ़ा होने से इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो मैंने इस तरीके से बनाया है। अब इसको यूज कैसे करना है ये मैं आपको बता देती हूँ, और कब करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। रात को सोने से पहले चेहरा अच्छे से वॉश करेंगे और उसके बाद में हम इसको लगाएंगे। जैसे कि मैं अपने फेस को भी वॉश करके ही बैठी हूँ, जस्ट मुझे शूट करना था तो मैं अपने फेस को वॉश कर ली हूँ। सिर्फ लिपस्टिक है जो कि थोड़ा सा शूट करते वक्त अच्छा लगता है। अब इसको लगाना कैसे है, अब जैसे कि ये चम्मच में ही है मेरे पास में, एक एक ड्रॉप दोनों तरफ अच्छे से, ठीक है जी, इस तरीके से माथे के ऊपर एक ड्रॉप और नाक के और चीक के ऊपर अच्छे से लगाएंगे। और पहले हम इसको स्प्रेड कर लेंगे, यानी कि फैला लेंगे अच्छे से बढ़िया से। अब इसके बाद में मैं आपको मसाज की टिप्स बता देती हूँ आप किस तरीके से करिए, ठीक है। ये पहले हम लगा लें अच्छे से, बढ़िया से फैलना चाहिए चेहरे के ऊपर, मेकअप नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये क्रीम जो है ये आपकी काम नहीं करेगी जी आपकी स्किन के ऊपर। तो इसको हम लगा लेते हैं। और अब हम इसको मसाज कैसे करेंगे मैं आपको स्पून के साथ में करके दिखा रही हूँ बढ़िया से। स्पून मसाज जो होती है वो फेशियल मसाज में, फेशियल योगा में बहुत ज्यादा यूजफुल है। अब कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम एक स्पून ले लेंगे जिस तरीके से मैंने लिया है, और नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में आपने लेके जाना है इस तरीके से, ठीक है। स्पून को उठाना नहीं है आपने बिल्कुल भी, और इसी तरीके से आप इसको ऊपर लेके जाएंगे हल्के हाथ से नीचे, फिर वापस ऊपर, फिर लिप के पास से भी आप ऊपर लेके जाएंगे इस तरीके से, अपने चीक के पास से इस तरीके से। ये क्या कर रहा है, ये आपकी स्किन के ऊपर एक प्रेशर पॉइंट की तरह काम कर रहा है और मसाज भी दे रहा है। चीक के ऊपर इस तरीके से करेंगे और ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, हल्का सा प्रेशर आपने हमेशा बना के रखना है। अब आते हैं आंख के नीचे की पफिनेस के ऊपर। जिन लोगों की भी आंखों के नीचे बहुत ज्यादा स्वेलिंग रहती है उनको अपनी आंखों के नीचे बढ़िया से मसाज करनी है इस तरीके से, दिख रहा है आपको, बढ़िया से इसी तरीके से मसाज करिए, आपको बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट मिलेगा। तो ये हो गया हमारा गाल का हिस्सा। अब हम अपने फॉरहेड की तरफ आते हैं। तो फॉरहेड पे आपने राउंड राउंड सर्कल में पहले एक बार इसको मूव कर लेना है, यानी कि अच्छे से ये घूम जाए आपके माथे के ऊपर। और उसके बाद में आप क्या करेंगे, टेम्पल के ऊपर लाके इसको टाइट से प्रेस करेंगे, ये इस तरीके से सेंटर से पकड़ेंगे और टेम्पल के ऊपर लेके आएंगे और प्रेस करेंगे। इससे आपकी जो माथे की लाइंस है वो चली जाती है, राउंड राउंड करेंगे और माथे के ऊपर लाएंगे, ठीक है जी। तो ये स्पून मसाज बहुत अच्छी टेक्निक है, अगर आप इसको रेगुलर तौर पर अपनी स्किन पे करते हैं, और करने से पहले आप इसको प्लीज ठंडा कर लीजिएगा, ठीक है। आंखों के ऊपर भी बढ़िया से करेंगे, जिनकी भी आंखों के ऊपर बहुत ज्यादा लाइंस हैं, झुर्रियां हैं, उनको ये स्पून मसाज अपनी आंखों के ऊपर जरूर से जरूर करनी है। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल होती है स्पून मसाज, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। आप इसको एक बार करके जरूर देखिएगा, देखिए कितना बढ़िया से ग्लो आया, ये देखिए बहुत बढ़िया ग्लो आया है भाई। सी विटामिन सी की एक जो खासियत होती है वो ये होती है कि वो आपके चेहरे के दाग धब्बों को बहुत आसानी से गायब कर देता है। और ये क्रीम्स आपको मार्केट में बहुत महंगी मिलती है, घर पर बहुत आसानी से आप बहुत ही कम पैसों में अपने घर पर ही विटामिन सी का सूर जो क्रीम है वो बना सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको आज की रेमेडी भी पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में।